हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपीज को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी आप सब के लिए लेके आया हूँ वो मुंबई, महाराष्ट्र या उसके आसपास के रीजन के अलावा अब पूरे इंडिया में या इवन मैं कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वड़ा पाव की। वड़ा पाव आज की डेट में पूरे इंडिया में उतना ही फेमस है जितना कि ये बॉम्बे में हुआ करता था। तो चलिए आज हम बनाना सीखेंगे बॉम्बे का स्पेशल बटाटा वड़ा और पाव। व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले मैं दो तरह की चटनी बनाऊंगा। वड़ा पाव के साथ के लिए जो स्पेशल रेड चटनी होती है और साथ ही में धनिया वाली ग्रीन चटनी। तो सबसे पहले हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं अपने बटाटे वड़े की तैयारी करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वड़ा पाव की स्पेशल रेड चटनी से। लेट्स स्टार्ट। बस वड़े पाव की लाल चटनी के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगा बेसन के थोड़े से क्रिस्प्स। उसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है और मैं इसमें पानी को अच्छे से इसमें घोल बना के उसके क्रिस्प तैयार करूंगा और उन्हीं क्रिस्प की मदद से मैं चटनी बनाऊंगा। उसके लिए मैं थोड़े से गार्लिक को भी फ्राई करूंगा क्रिस्प के साथ और उसमें डालूंगा मैं सूखी लाल मिर्च और कलर के लिए उसमें जाएगा थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। तो चलिए लाल चटनी को स्टार्ट करते हैं हम बेसन के क्रिस्प बनाने से। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सॉल्ट बस डालूंगा और हम क्रिस्प तैयार करेंगे। चलिए देखिए, मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा रनी और ना बहुत ही ज़्यादा थिक। और तेल को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसमें अपने क्रिस्प बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रिस्प को बनाना। हमें बेसन में को थोड़ा सा हाथ में लेना है और देखिए उससे धीरे धीरे इस तरह से डालना है। देखिए और इसे हमें बिल्कुल कुरकुरा फ्राई करना है, अच्छे से हमें इसे डीप फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी आए। देखिए हम ये जितने भी क्रिस्प बनाएंगे इनको हम थोड़ा आधे से ज्यादा चटनी में इस्तेमाल कर लेंगे और थोड़ा सा लास्ट में वड़े पाव की ऊपर हम डालने के लिए भी रख लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्सचर भी आए। देखिए व्यूअर्स, हमारे क्रिस्प बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं मिक्सी में थोड़े से क्रिस्प लूंगा और इसमें दो से तीन सूखी लाल मिर्च और करीब 7 से 8 लहसुन की कलियां, इसको भी मैंने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगा और इसमें करीब 1/2 टीस्पून में डालूंगा सफ़ेद तिल और करीब 1 टीस्पून कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक और इसको डाल के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगा। तो चलिए हम इसे तैयार कर लेते हैं तो हमारी रेड चटनी बनकर बिल्कुल तैयार होगी। देखिए व्यूअर्स, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और हमारी वड़ा पाव की रेड चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब मैं दूसरी चटनी यानी कि हरे धनिया की चटनी पीसूंगा। उसके लिए मैं थोड़े से धनिया के पत्ते, उसमें थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर उसको भी पीसूंगा। तो चलिए अब हम अपनी हरी चटनी पीस लेते हैं। देखिए मैंने हरी चटनी को भी अच्छे से पीस लिया है। इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है
इसमें मैंने सिर्फ धनिया के पत्ते, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का यूज किया है। तो ये हमारी दोनों चटनियां तैयार हैं। अब हम अपने बटाटा वड़ा के मसाले को तैयार करेंगे। चलिए उसको हम तैयार करते हैं। चलिए अब हम बटाटे वड़े का मसाला तैयार करते हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, नमक के साथ ही इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया के पत्ते, थोड़ी सी इसमें जाएगी करीब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर, ये भी करीब 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून भी चलेगा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर करीब 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी करीब 1/4 टीस्पून जाएगा। और व्यूअर्स, जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की है उस ग्रीन चटनी का करीब 1-2 टीस्पून हम वो डालेंगे। देखिए थोड़ा सा ग्रीन चटनी ये आ गई। और लास्ट में व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड्स को और थोड़े से कड़ी पत्ते को और थोड़ी सी हींग उसमें डालकर एक तड़का तैयार करके वो भी इसके ऊपर से डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगा, तो हमारे बटाटे वड़े का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बस मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देता हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ते और मस्टर्ड सीड्स का तड़का बना लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे बटाटे वड़े का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके हम शेप दे देते हैं और उसके बाद हम अपने बेसन का घोल तैयार करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। बटाटा वड़े के कवरिंग के लिए मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। हमें इसे ना बहुत ज़्यादा लाइट ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये पूरा अच्छे से ऐसे तार बनाए। देखिए और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन का यूज़ किया है और अब हम बटाटे वड़े को इसमें कोट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके पहले मैं 3-4 हरी मिर्च भी फ्राई कर लूँगा जो कि हम वड़ा पाव के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए हम बटाटा वड़े को फ्राई करना स्टार्ट करिए। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पहले 3-4 हरी मिर्चें फ्राई कर लूँगा जो कि हम वड़ा पाव के साथ सर्व करेंगे। देखिए हम इसे बेसन में अच्छे से कोट कर देंगे, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा कोटिंग मत दीजिए नहीं तो ये बहुत ही मोटा हो जाएगा। इसे हमें लाइट कोटिंग देनी है और फिर हम इसे धीरे से तेल में डाल देंगे, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपने वड़ा पाव को असेंबल करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, पाव को मैंने बीच से काट लिया है, अब हम वड़े पाव को असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैं रेडीमेड इमली की चटनी भी मैंने ले ली है, थोड़ी सी चटनी मैं इसमें लगाऊंगा और दूसरी साइड मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा दूंगा और इसके साथ ही आएगा हमारा पाव, वड़ा पाव का मसाला। और अब इसमें हम रखेंगे अपना पाव, थोड़े से इसमें आएंगे हमारे क्रिस्प्स और ऊपर से थोड़ा सा मसाला और। तो व्यूअर्स, हमारा वड़ा पाव बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारा होममेड वड़ा पाव बिल्कुल तैयार है और आप इसे अब सर्व कर सकते हैं।